सच के साथ एक कदम। आज दिल्ली के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय ई ब्लॉक नंद नगरी में संविधान दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समक्ष स्टाफ ने संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया। प्रधानाचार्य श्री केपी सिंह जी, उप प्रधानाचार्य श्री हरिओम मीणा जी एवं हिंदी प्रवक्ता श्री हरिओम चंद्रा ने संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। संविधान शिल्पी जी, अब विशेष सावधान की मुद्रा में रहेंगे और मैं जो करूंगा उसको आप दोहराएंगे। ये हमारे संविधान के कामना के रूप में जो हम पढ़ेंगे, पूरे संविधान का मूल है, सार है और संविधान को शपथ लेंगे तो हम अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे, अपने कंधे के पैर में आगे बढ़ेंगे और एक एक लाइन में पढ़ता जाऊंगा और आप लोग दोहराते जाएंगे। तो सभी बच्चे एक साथ ही हमारे बाप भारत के लोग, भारत को, भारत को एक संपूर्ण, एक संपूर्ण तो संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, आर्थिक। क्या लाइन लाइमिंग बोल गए क्या? राजनीतिक, राजनीतिक विचार, विचार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति विश्वास, विश्वास धर्म, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा तथा उन सब में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की। हम इस लोकतांत्रिक देश में जो आजादी के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आजादी का जो आनंद ले रहे हैं, जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के सृष्टि का काम किया, निर्माण का काम किया, संविधान के द्वारा आपको अधिकार देने का काम किया कि सभी बच्चे एक साथ हिंदू मुस्लिम की सिखाई देख करके एक ही प्रांगण में पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर ज्योतिबा फुले जिन्होंने स्त्रियों को करने का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने सबको करने का अधिकार दिया, स्त्रियों को भी दिया, पुरुषों को भी, बच्चों को भी दिया, यानी सभी इंसानों समाज को करने का अधिकार दिया। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना किया उसके 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां हैं और बाबा साहब के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 वर्ष का अथक समय लगा। सुन लेंगे तो अच्छा होगा, सभी बच्चे थोड़ा सा सुन लें। आपके ओरिजिनल से संबंधित भी कुछ सवाल होते हैं जिसे आपको आगे चलकर तो बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको गाड़ी वाड़ी करना पड़ेगा तो आपस में बातें बंद कर लेंगे। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
संविधान बनाने के लिए बाबा साहब ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और सारे दुनिया के संविधानों को पढ़ने के पश्चात भारत के इस सुंदर से संविधान का निर्माण किया जिसके द्वारा आज हम भारत के द्वारा शासन को संचालित करते हैं। आज भारत दुनिया के शक्ति के रूप में उभर रहा है। किस प्रकार सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा जिसके द्वारा सभी को समता स्वतंत्रता और बंधुत्व का वीडियो बना सभी को बराबर का अधिकार मिलता है। संगी बचने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है और आपके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की कार्य है वो भी बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने हमारे संविधान का निर्माण ही नहीं किया, भारत के बच्चों का भविष्य भी बनाया है, हम सबका भविष्य बनाया है, भारत का भविष्य बनाया है। इस तरीके से बाबा साहब स्वयं लगभग 36 स्थितियाँ जिनके बाद भी ऐसे निकली भारत से जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता था, ये विश्व में ज्ञान के प्रतीक कहे जाते थे। तो बाबा साहब के बराबर आप लोग देखेंगे कि हम शिक्षा ग्रहण करने वाले मिलियन लोग हैं जो बाबा साहब का इस तरीके से मान सम्मान दुनिया में है, जो भारत में है, जो शायद किस भी इनको सिंबल ऑफ नॉलेज मानता है। और बाबा साहब ने दुनिया को एक नई दिशा समता का, स्वतंत्रता का और बंधुत्व का जो प्यार और भाईचारे का संविधान दिखा है उसके द्वारा आज हम सभी को न्याय मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है और सभी स्त्री पुरुषों को आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी महिलाएं बन रही हैं। तो ये बाबा साहब की देन है। आज शिक्षिका बन रही है, बताना अध्यापिका बन रही है और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सबकी मेंबर बन रही है। ये बाबा साहब के संविधान की देन है जिसके द्वारा हम लोग आज अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, न्याय को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से बाबा साहब ने देश के संविधान का निर्माण करके भारत के भावी भविष्य का निर्माण किया है। तो हम सभी बच्चों को बाबा साहब से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं तो संविधान के हमारे मूल पृष्ठ पर प्रथम पृष्ठ पर लिखा किया है जिसका भारत का संविधान उद्देशिका लिखा है। सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े होंगे, सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े होंगे। और आप सारे लोग बच्चे नारा लगाएंगे, मैं कहूंगा बाबा साहब तो आप कहेंगे हमारे रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान की जय हो, संविधान की जय। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।